अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम नाइन्थ क्लास की मैथ्स एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रॉ मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। स्टूडेंट्स, हम लास्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ चुके हैं और हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ये जो गिवन मैट्रिसेस हैं ये किस टाइप के हो सकते हैं। हमने पढ़ा हुआ है कि अगर एक मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो हों तो उनको नल मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स ए है, क्योंकि इसकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो हैं तो ये नल मैट्रिक्स हैं। मैट्रिक्स बी जो है, इसमें अगर हम देखा जाए तो इसमें सिर्फ एक ही रॉ है। तो हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में पढ़ा हुआ है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ एक ही रॉ हो उसको रॉ मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये मैट्रिक्स बी रॉ मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स सी में देखें तो इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो तो उसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो कॉलम मैट्रिक्स सी एक कॉलम मैट्रिक्स है। अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स डी की। मैट्रिक्स डी में देखें जो डायगनल एंट्रीज हैं वो 1-1 है, बाकी जो नॉन डायगनल एंट्रीज हैं वो 0 हैं। तो हमने पढ़ा हुआ है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगनल एंट्रीज जो हैं वो 1-1 हों तो ऐसे मैट्रिक्स को यूनिटी मैट्रिक्स कहते हैं या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स डी है इसको हम यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। अब मैट्रिक्स ई की अगर हम बात करें तो इसमें एक ही एंट्री है और वो भी 0 है, तो अगेन ये भी नल मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स एफ की बात करें तो इसमें भी अगेन एक ही कॉलम है तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था जिसमें हमने आइडेंटिफाई करना था कि जो गिवन मैट्रिसेस हैं ये कौन से टाइप के हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई, हमने ये जो नीचे मैट्रिसेस दिए हुए हैं इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मैट्रिक्स स्क्वेयर मैट्रिक्स है या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है या रॉ मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या नल मैट्रिक्स है। तो अगर हम पहले बात करें स्क्वेयर मैट्रिक्स की, तो स्क्वेयर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो। मीन टू से कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर जो है, जिसका ऑर्डर 2x2 हो, 1x1 हो या 3x3 हो, मीन टू से जिसका ऑर्डर सेम हो। अब मैं इसमें देखूं तो मैट्रिक्स दिस मैट्रिक्स, इसका नाम उन्होंने कोई भी नहीं दिया हुआ, लेकिन ये वाला जो मैट्रिक्स है ये एक स्क्वेयर मैट्रिक्स है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये वाला स्क्वेयर मैट्रिक्स है। और इसके अलावा ये मैट्रिक्स देखें 8 नंबर पे, इसका भी जो ऑर्डर है वो 3x3 है, तो इसको भी हम कह सकते हैं कि ये भी स्क्वेयर मैट्रिक्स है। तो ये जो गिवन मैट्रिसेस हैं इनमें ये 3 नंबर पे जो मैट्रिक्स है ये स्क्वेयर मैट्रिक्स है और ये वाला स्क्वेयर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं होती। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसमें देखें, इसमें इसका जो ऑर्डर है, डेफिनेटली अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है तो उसका ऑर्डर सेम नहीं होगा। अब इसमें देखें जो नंबर ऑफ रोज हैं वो 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो 3 हैं, तो इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम नहीं है, तो इसका मतलब है ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये वाला भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, इसको भी हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं, इसको भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं और इसको भी, वैसे तो ये नल मैट्रिक्स है लेकिन इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट रॉ मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रॉ होती है उसको रॉ मैट्रिक्स कहते हैं, तो वो वाला सिर्फ ये मैट्रिक्स है 6 नंबर पे। नेक्स्ट कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होता है, तो ये वाला जो मैट्रिक्स है इसको हम कह सकते हैं नंबर 2 पे जो दिया हुआ है ये कॉलम मैट्रिक्स है। इसके अलावा नंबर 7 पे जो दिया हुआ है ये भी कॉलम मैट्रिक्स है,
इनको हम कॉलम मैट्रिक्स कह सकते हैं क्योंकि इनमें सिर्फ एक ही कॉलम गिवन है। नेक्स्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1-1 होनी चाहिए और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो 0 होनी चाहिए। तो इसमें ये वाला मैट्रिक्स गिवन है नंबर 4 पे, जिसमें देखिए डायगोनल एंट्रीज 1-1 है और जो नॉन डायगोनल है वो 0 है, तो इसको हम कहेंगे कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। नेक्स्ट नल मैट्रिक्स। अब इस इनमें देखें हम तो ये वाला जो मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसकी तमाम एंट्रीज जो हैं वो 0 हों। तो इन तमाम एंट्रीज में सिर्फ यही एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी तमाम एंट्रीज जो हैं वो 0 हैं, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये नल मैट्रिक्स है।